Cause I just wanna go to the deep end. आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इंडिया में अभी आपको एक 4G फोन लेना चाहिए या एक 5G फोन लेना चाहिए। बहुत ही कंफ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो इंडिया में क्या करें। ऐसे टॉपिक्स को हम छेड़छाड़ करते रहते हैं। अगर आप नए तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, दूसरे तक भी पहुंचाइए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। और पसंद आती है तो लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अभी एक 4G फोन यूज कर रहे हैं या एक 5G फोन यूज कर रहे हैं। सबसे पहले 5G को ही उठा लेते क्योंकि इस पर ब्रांड्स इतना इसको ओवर हाइप कर दिए जिसकी कोई हद नहीं है। जब भी एक फोन लॉन्च होता है तो उसके साथ 5G बड़े में लगा ही लगा रहता है। ज्यादातर आप देखो 4G फोन लॉन्च होगा तो नहीं लगा रहता है, 5G आएगा तो लगा रहेगा। और मल्टीपल 5G बैंड्स को भी अलग से वो लोग हाइप करते, इतने 5G बैंड्स, उतने 5G बैंड्स। लेकिन लॉजिकली आप सोचो, अगर आपने 5G नेटवर्क देख कर ही एक फोन हम एक से दो साल पहले इंडिया में ले लिया, आप सोच रहे हो कि यार मैं इसमें 5G यूज करूंगा, और अभी तक देखो इंडिया में 5G नहीं है, तो कितनी बुरी बात है ना। सोचो, हाँ फोन भले ही अच्छा हो या कॉम्प्रोमाइज थोड़े बहुत किए भी गए हो, लेकिन मेन प्रायोरिटी आपने उस वक्त 5G को दिया था कि 5G आएगा, मैं 5G यूज करूंगा, सबको दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक 5G नहीं है। 2022 के एंड में बोल रहे हैं कि इंडिया में 5G आएगा, 2023 तक बोल रहे हैं कि आ सकता है। और आपको बताएं, आने के बाद ऐसा नहीं कि यूं आसानी से 5G आ जाएगा, आप यूज कर लो, एकदम स्टेबल होगा, नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं 4G का। 2012 में सबसे पहले इंडिया में एयरटेल ने 4G सर्विस स्टार्ट करी थी, और 2016 में जब जियो आया तो बहुत सारे यूजर्स 4G पर आए, जब वो फ्री सब किया था उस हिसाब से। मतलब तब तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि 4G की वैल्यू क्या है इंडिया के अंदर। 2012 से 2016 आप गैप देख सकते हैं, 4 साल लग गए थे 4G यूजर्स इकट्ठा होने में। सोचो 2023 में जब 5G इंडिया में आएगा तो उसको स्टेबल होने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा। अब वो कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा, उसके बारे में भी अभी हमें नहीं पता है। तो यहां पर अब फिर आप सोच रहे कि ब्रांड्स 5G फोन्स फिर क्यों लॉन्च कर रही है ज्यादातर, और उसको इतना हाइप क्यों कर रही है। देखिए, क्वालकॉम मीडियाटेक जो लार्जेस्ट चिप मेकर्स है ना, वो भी जब चिपसेट्स अभी बना रहे ना, तो उसमें इनबिल्ट 5G मॉडेम भी होता है, ठीक है। अब ब्रांड्स को एक नई चिपसेट अपने फोन में लगानी है तो वो क्या करती है, अब उनको लेना ही लेना है, और वो इनबिल्ट 5G मॉडेम को निकालकर फेंक तो नहीं सकती है, कहीं ना कहीं तो उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नई चिपसेट भी है। फिर वो क्या करती है कि फिर उसमें 5G है तो उसको ओवरहाइप्ड करके उसमें से अलग से एक प्रॉफिट निकाल लेती है। तो ये भी एक तरीके का गेम है। अब ये भी बात है कि ज्यादातर जो 4G फोन्स मार्केट में इंडिया में आ रहे हैं वो ज्यादा बेटर फीचर्स दे रहे हैं अगर हम उनको 5G फोन से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडमी नोट 10 प्रो 4G और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G, दोनों में देखो मेजर फर्क नहीं है। लेकिन जो 4G वाला था वो बहुत पहले आया था और अभी भी मुझे लगता है कि वो काफी वैल्यू फॉर मनी है। पोको X3 प्रो 4G, पोको X4 प्रो 5G, इनमें भी आपको फर्क नजर आएगा। हालांकि मोटोरोला का G51 5G जो ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हुआ है और उसका सक्सेसर मोटोरोला का G52 आ रहा है, वो 4G है। सोचो, वो 4G है लेकिन उसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिलेगी कंपेयर टू उसके 5G वेरिएंट को। लेकिन ऐसा नहीं कि 5G फोन्स बुरे हो रहे हैं। रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन 20,000 की रेंज में ओवरऑल बहुत ही अच्छा फोन है। ऐसे कुछ फोन्स मौजूद है जो अभी भी 5G के साथ है और ऑलराउंडर फीचर्स अच्छे दे रहे हैं। लेकिन ज्यादातर 5G फोन्स जब इंडिया में लॉन्च हो रहे तो उनमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस किया जा रहा है। चार्जिंग कम कर रहे हैं, डिस्प्ले IPS करके 90Hz ही दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब यहां पर ये सिर्फ मैं बजट की बात कर रहा हूँ, फ्लैगशिप में, मिड रेंज में ऐसा नहीं है। फ्लैगशिप में आपको 5G भी मिलेगा और फीचर्स भी अच्छे मिलेंगे ओवरऑल, क्योंकि आप पैसा भी उतना दे रहे हैं। यहाँ पर मेन मार्केट है बजट का, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट ब्रांड को हो रहा है और सबसे ज्यादा जो फोन्स इंडिया में सोल्ड हो रहे हैं वो बजट में ही हो रहे हैं। आपको बताएं, मेरे अगर रियल टाइम एग्जांपल दूं तो जब भी मैंने किसी को फोन दिया हो आज तक सामने वाले बंदे ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि ये 4G फोन है या 5G फोन है। मैं आपको एकदम रियल ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, किसी ने भी नहीं, जब तक वो सामने वाला बंदा नॉलेजेबल नहीं है उसने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि ये 4G है कि 5G है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था नॉर्मल मिक्स्ड और हैवी यूजर, उसका काम हो गया, उसको उससे कोई परवाह नहीं है। और लॉजिकली भी अगर आप देखो इंडिया में कि अभी भी अगर आप एक 4G फोन परचेस कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे प्राइस पर उसमें अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुरी बात है, क्योंकि 2-3 साल आपको उसको यूज करना है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर मैं एक 5G फोन नहीं लेता हूं, 4G लेता हूं, तो क्या इंडिया में जब 5G आएगा तो 4G बंद हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। 4G आने वाले 5-6 साल तक कहीं नहीं जा रहा है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब एक पर्टिकुलर ब्रांड 5G फोन अपना लॉन्च कर रही है, उसको इतना हाइप्ड करती है, वही सेम ब्रांड एक 4G फोन भी लॉन्च करती है कम प्राइस पर वगैरह, और उसके बारे में एकदम खामोश रहती है। क्यों खामोश रहती है? उनको पता है कि 4G भी चलेगा, तभी तो एक 4G फोन लॉन्च कर रही है। अगर इंडिया में 4G नेटवर्क बंद होना रहता तो ब्रांड्स 4G फोन लॉन्च ही नहीं करती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि हमें क्या एक 4G फोन लेना चाहिए या एक 5G फोन लेना चाहिए।
सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यह दूंगा कि अगर अभी आप एक फोन परचेस कर रहे हो बजट में, तो 5G को मेन प्रायोरिटी मत दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं ऑनेस्टली दिल से कहता हूं, 5G को मेन प्रायोरिटी मत दीजिए कि मैं 5G है तो ही लूंगा। फिर यहां पर आपको काफी सारे दुख दर्द झेलने पड़ेंगे। पहली चीज तो हमें नहीं पता कि 5G कब आ रहा है, कितना स्टेबल होगा, कितना महंगा सस्ता होगा, और दूसरी चीज उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कहीं ना कहीं रहेंगे, तो ये थोड़ा दर्द आपको झेलना पड़ेगा। और अगर अभी 5G चालू होता है इंडिया में, तो इट डजंट मैटर, आप ले लो 5G, यूज करो, ये सवाल ही नहीं बनता, ये वीडियो ही नहीं बनता। तो 5G को मेन प्रायोरिटी मत दीजिए। अगर एक फोन 4G भी है, 20,000 के अंदर भी अगर आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दे रहा है, आपका काम हो रहा है और आपको मजा आ रही है, क्योंकि 4G भी आप यूज करिए, 4G नेटवर्क भी स्टेबल है, वहां पर भी आपको हाई स्पीड में डाउनलोड मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। जब आप इंडिया में एक फोन परचेस करने अभी निकल रहे हो बजट में, तो आप उसके फीचर्स देखिए और आप देखिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ 5G को मेन प्रायोरिटी मत दीजिए। 4G की भी वैल्यू बहुत है, और आप 4G फोन भी अगर अच्छी प्राइस पर मिल रहा है तो उसको जाके परचेस करिए। तो आप समझ गए होंगे कि 4G और 5G में क्या डिफरेंस है, मैंने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक फोन आ रहा है 30,000 में 40,000 में और 4G है, ऐसा भी नहीं है। इतना भी मतलब ब्रांड्स को थोड़ा समझना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपकी बजट देखिए, बजट के हिसाब से 4G और 5G में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।